ये बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे जी, अल्लाह की बनाई जमीन है, सबका हक है जमीन पे, कीड़े मकोड़े जानवर जिन जिन जन्नात शैतान सब रहते हैं, अल्लाह की बनाई हुई है। अगर जब तुम्हें जरूरत है तो उससे पहले हमें मकान बना के दीजिए। ऐसा है ना, पहले तो ये होगा कि इन लोगों का पुनर्वास हो, हटाने से पहले पहले पुनर्वास हो। क्या वो इंसान नहीं है, क्या कचली है, उनने कोई गलत काम किया, डकैती डाली, वो जेल में डाल रखा है उसको, मलिक भाई को हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के वनबुलपुरा क्षेत्र में, जहां 1.5 साल से रेलवे अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। आइए चलते हैं इस बारे में लोगों की राय लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो कितना खुश हैं या इससे नाखुश हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मोबिन। जैसे रेलवे अतिक्रमण का मामला इतने टाइम से चल रहा था, 1.5 साल से मामला चल रहा था, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला? ये मामला चल गया सन 1998 से। अच्छा, 1998 से। हाँ, और चल गया रहा सन 1998 में मलिन बस्ती घोषित हुई गई है ना, मलिन बस्ती, तो 5 बस्तियाँ वो कर दी, खारिज कर दी इन्होंने। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में चल गया इसका केस। सुप्रीम कोर्ट से जैसे 24 तारीख को अभी फैसला आया है कि जो भी रेलवे अतिक्रमण के दायरे में आएगा, जैसे रेलवे को बढ़ाना है तो उसमें जो भी चिन्हित किए जाएंगे मकान, उसका मुआवजा दिया जाएगा, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सुनाया हमने, कोर्ट ने जो ऑर्डर कराया है, इनका पुनर्वास होगा, जितनी भी रेलवे की जिद उसमें आएंगे ना मकान, उन्हें जो है पुनर्वास दिया जाएगा। पुनर्वास में जैसे जमीन वगैरह दी जाएगी, जो आपको पता है कब तक के होगा? ये 11 तारीख पड़ी हुई है, अगले महीने की 11 तारीख। अच्छा, 11 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि पुनर्वास का क्या क्या है क्या नहीं है। जितने मकान जाएंगे किनारे किनारे के, जितनी उन्हें जगह चाहिए है, तो उसमें जो है उन लोगों को पुनर्वास दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं? हाँ, सही है, जैसे पुनर्वास के लिए बोला गया है तो आप बहुत बढ़िया है। कहाँ फेंकेंगे ये बताओ, और अब से नहीं है, 35-40 साल हो गए यहाँ पर बस। जैसे पुनर्वास भी देंगे तो जमीन देंगे तो उसके लिए भी पहले से सरकार को पूरा सोचना पड़ेगा कि कहाँ से करें। वो तो है ही, सोचना तो जरूर, तो उसके लिए भी लंबा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, लंबा टाइम लगेगा करीब। ऐसा है ना, पहले तो ये होगा कि इन लोगों का पुनर्वास हो, हटाने से पहले पहले पुनर्वास हो, जितने भी मकान, मतलब घर तोड़ने से पहले पुनर्वास हो तब सही रहे। हाँ, बस ये है, बाकी और क्या है, सब मजदूर आदमी, गरीब आदमी हैं, रोज का खाना कमाने वाले हैं। मतलब आपका यही कहना है कि पुनर्वास करने के बाद ही ये जो जमीन है वो लोगों को हटाया जाए, यहाँ से हटाया जाए। और अपने बस स्थिति ऐसी है, आपने देखी रखे 3 टब्बर के मकान हैं, गरीब लोग हैं, सब मेहनत मजदूरी वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है। और अगर ये ईंटें, 4 ईंटें लगा ली तो बड़ी मेहनत से लगा रखी, खून पसीना एक करके उन्होंने अपनी मेहनत से कैसे कैसे लगाया, कैसे कैसे करा, कई इन लोगों का, हम लोगों का दिल ही जानता। अब जैसे सरकार भी है वो जमीन देगी या घर बना के देगी, वो अभी कुछ पता नहीं है। अभी ये कुछ पता नहीं है, पुनर्वास की तो मांग रखी है कोर्ट ने, कि सरकार को, दोनों को ये सोचे चाहिए कि पुनर्वास इनका करा जाए। जैसे रेलवे अतिक्रमण का मामला इतने दिनों से चल रहा है, 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इनका पुनर्वास होगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पुनर्वास कहाँ कर रहे हैं ये लोग, कितना टाइम हो गया हमें ऐसे ही मरते हुए। नहीं, अभी जैसे 24 तारीख को फैसला आया ना, उसमें बोल रखा है कि लोगों का पहले पुनर्वास होगा, उसके बाद ये जगह खाली कराई जाएगी। और बढ़िया हो जाएगा, फिर पुनर्वास हो जाएगा तो जगह खाली हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं तो इसमें कोई असर देखने को तो मिलेगा? मिलेगा, दुकान लगाते हैं, दुकान का काम खत्म ही हो जाएगा फिर। मतलब आपको भी वैसे जो जगह पुनर्वास की जाएगी आप वहाँ पे लगाएंगे? अब जहाँ ले जाएंगे ये लोग वहाँ दुकान लगा देंगे। मतलब इस फैसले से आप खुश हैं ना? क्या करें, मजबूरी है हमारा, आगे तो मजबूरी है, मतलब यहाँ से जाना, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया ही है, जाना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, जगह देखेंगे जब जाएंगे हम लोग। मतलब बिना पुनर्वास के नहीं जाएंगे? हाँ, बिना पुनर्वास के करेंगे। ऐसा है, मैं सन 90 से रह रहा हूँ यहाँ पे, वैसे से मैं सन 81 से रह रहा हूँ हल्द्वानी में, बरेली जिला बरेली का रहने वाला हूँ। वहाँ का पानी पी के पैदा हुआ हूँ, कुएँ का, मेंढक देते थे बड़े, वो पानी पीते थे, आजकल तिनका गिर जाते वो पानी नहीं पियेंगे, हम वो पानी पिया है। हम सन 81 में यहाँ पे आए, अकेले आए, और हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, जब रहते रहे बच्चों के भी आए, हम बच्चे कर लगे हम ही रहेंगे, तो मैंने दाखिला यहीं करा दिया बच्चों को पढ़ने, वो यहाँ पे गए। आज इतना टाइम हो गया, हम यहाँ पे रहते थे, मैं अकेला ड्यूटी करता था यहाँ पे, ऐसे ऐसे काम करते थे, मैं अकेला ड्यूटी करता था, 4 स्टार लगे हुए मेरे,
दिखाऊँ आपको, रजिस्टर्ड हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान मिस्त्री है। तो यहाँ पे जब ये बड़ी लाइन पड़ी थी तो यहाँ हटा बचाव होने लगी, हमारा दिमाग खराब, रोटी पेट में नहीं चल रही, अब कहाँ जाएंगे, क्या है, झुग्गी डाल रखी थी लोगों ने, हमने भी डाल रखी थी, गुजारा कर रहे थे। बब्बन भाई के पास गए, उनके पास गए, उनके पास गए, बल्ले भाई के पास गए, उनके भाई के पास गए, बोले बना ले अपनी प्लाट है, साहब बना ले, कहीं बना ले जो सब अपना प्लाट है, हमने साहब बना ली। तो लोग हमारे पीछे पड़ गए बदमाश कि पैसे दो, हमारी जगह हम नहीं बनाने देते, नहीं बनाने देते। हम फिर ज़्यादा परेशान करा, बब्बन के पास गए, बब्बन जिंदा थे उस वक्त, तो हमने उनसे बात करी, रजिस्टर्ड कागज़ ले गए लिख के अपने सर से लिखवा के। जैसे ये रेलवे अतिक्रमण में मकान चिन्हित किए गए हैं, इन्हें तोड़ने की बात हो रही है और पुनर्वास करने की बात हो रही है, क्यों हो रही बात, क्यों हो रही तोड़ने के लिए, ये बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, ये अल्लाह की बनाई ज़मीन है, सबका हक है ज़मीन पर, कीड़े मकोड़े जानवर जिन जन्नात शैतान सब रहते हैं, अल्लाह की बनाई हुई है, अगर जब तुम्हें ज़रूरत है तो उससे पहले हमें मकान बना के दीजिए, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे अभी डीएम ने भी ये बात कही थी, मेरी डीएम से बात हुई, कह रहे तुम्हारे बीच में ऐसे हैं पैसे लेके तुमने मकान जिसके हैं उनके नाम लिख रखे हैं, मैंने कहा ऐसा नहीं है सर, डीएम से बात हुई, सूर्य प्रताप पहले वाला डीएम था, तो साहब मैं नेता हूँ, उपाध्यक्ष हूँ 600 परिवार का यहाँ पे सन 90 से। तो जैसे 24 तारीख को फैसला आया है उसमें तो बोल दिया गया है कि पहले पुनर्वास दिया जाएगा उसके बाद जमीन खाली करेगा। एक मिनट, फिर हमने भागा दौड़ी करी, भूखे प्यासे धरने लगाए, ये करा बोले चाले सबको ले गए, 600 परिवार थे उस टाइम, तो हम ले लेके जाते थे और वहाँ पे हमने धरने लगाए, बोले भी मैक पे, हमने कहा सिस्टम मैस्टेड मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो आ जाओ नीचे उतर के मैक पे बोलिए, मुझे हम लोगों को जगह की जरूरत है सर छिपाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो आपको पता है? वो पता तो है, हम टीवी में देखते सुनते भी नहीं है, मैं हूँ गधा आदमी, मैं बेवकूफ़ हूँ और बहरा भी हूँ, सुनाई कम आती है, मैं देख रहा हूँ सुन नहीं रहा हूँ इतना। जैसे अब कोर्ट ने बोल दिया है कि लोगों को पुनर्वास देंगे उसके बाद ज़मीन खाली कराएगी, मतलब वो आपको पहले घर की ज़मीन देंगे उसके बाद जगह खाली होगी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अगर हमें सहूलियत मिलेगी तो हम जाएंगे, वरना ही मर जाएंगे। ये देख रहे बाहर बैठे सरकार हमारे, इनसे मैंने कह रखा है, मैं सुन क्या बताऊँ, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा क्या नहीं कर दूंगा अगर ये दोबारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पहले आपका पुनर्वास कराएंगे उसके बाद जमीन खाली कराएंगे, तो ये तो आपके लिए आपके हक में बात है। जो सुविधा यहाँ पे वो सुविधा हमें होना चाहिए वहाँ पे, मतलब आपका कहना है कि पूरी सुविधा के साथ पूरे पुनर्वास के साथ आपको यहाँ से भेजा जाए, बत्ती सब होना चाहिए उसी टाइम, अगर हमें दे रहे हैं जगह खाली कराना दे रहे हैं बना के और जगह दे रहे हैं बना के दे रहे हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन आपको सारी सहूलियत चाहिए उसके बाद। सही बात है, अगर यहाँ सब चाहिए हमें, हम पानी पीने कहाँ जाएंगे, पानी भर के लाते हैं, गोले का पानी हमने पिया बहता हुआ, कौन सा पीला पानी, गंदा मिट्टी वाला पानी पिया है, बताइए। मतलब आपकी बात तो सही है, पूरी सुविधा दी जाएगी उसके बाद आपको यहाँ से भेजा जाएगा, तो आपके लिए भी सही है और फिर जगह खाली करने की बात आती है। और हमने पानी लगाया बिल देता हूँ, बत्ती लगाई बिल देता हूँ, समझे, ये बारी मेरी जल भाग में भी होती है, फिर हो गया थाने में भी बोला, चौकी में भी बोला, हर बात में मैं थाने जाता हूँ, एक एक बजे दो दो बजे थाने के अकेला पूरा स्तन घन के किसी को जुटा के लाया हूँ, मैं काम करके पूरा आता हूँ और तो हाथ मिला के बैठता हूँ सरकारों सर से बात। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी है जो पुनर्वास के लिए कहा गया है वो कब तक? रेलवे कहती है हमारी है, मगर रेलवे की है ही नहीं है, नपत हो गई मेरे सामने, वहाँ तक है रेलवे की बात, ये 80 फुट गई गोला में मेरे सामने, नपत हुई, पुलिस थी, तमाम आदमी थे यहाँ पे, मलिक भाई नब्बा रहे थे, उनको जेल में डाल रखा है, क्यों डाल रखा है जेल में, सामान भी सब ले गए, सामान मैंने सुना वापस आ गया, उसको जेल में डाल रखा है, क्या वो इंसान नहीं है, क्या कचली है, उनने कोई गलत काम किया, डकैती डाली, वो जेल में डाल रखा है उसको, मलिक भाई को हमारे, जैसे कल उनकी भी कहते हैं पत्नी को जगह दी जाए हम दे देंगे, जैसे कल उनकी पत्नी को रिहा भी किया गया था उसमें आप क्यों रिहा किया गया था, क्यों पकड़ा था सबको, क्या बात करा, क्या करा उन्होंने उन पे, मतलब गैर कानूनी जमीन का, मतलब जमीन के दस्तावेज का इल्जाम लगा हुआ, वो ठीक है वो तुम करो, गैर कानूनी जगह है उस पर बना रहे हो वो तो गलत है, गलत है मैं मानता हूँ समझे, मगर ये गलत नहीं है बेट पटून में सारा सामान ले जाओ मारा तोड़ी करो और जेल में डालते हो मैं बच्चों के, ये कहाँ का है इंसाफ, ठीक है गलती करी जेल में डाल दो, जेल में डाल दो सजा पूरी जाके ले जाओ, आ जाएगा बाहर, ये तो होता है,
नहीं, अगर उनके क्या कहते हैं, जैसे उनकी पत्नी को रिहा कर दिया गया है, तो अगर उनके भी खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे या वो सही होंगे तो उनको भी रिहा कर दिया जाएगा? अंदर कर दिया, वो हमारी भाभी लगती हैं। हाँ, उनकी कल रिहाई हुई है, उनको कल जमानत मिली है। तब पालन क्यों नहीं कर रही है सरकार? कोर्ट हमारे लिए, गरीब के लिए कोर्ट है, मालदारों के लिए, नेताओं के लिए कोर्ट नहीं है। कभी किसी का घर की तो बात है, अभी रेलवे का, रेलवे का नहीं, रेलवे 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 की जगह होगी, जब तो रेलवे लेगी, रेलवे की जगह पे आ गई। कल जज साहब ने बिल्कुल हिम्मत करके सही बात कही, नहीं भाई पहले अपनी जगह देखो और जब इनको तोड़ लो तो कहीं जगह दो। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को पहले बोला है कि जगह पहले वो कर। आज पहली दफा जज साहब ने हिम्मत करके बोला, नहीं तो कितने जज हैं उन्होंने कहे ही ना। हाई कोर्ट ने फैसला दिया 14 तारीख का, 8 तारीख को कैसे पहुंचे तो प्रधानमंत्री से, वो मंत्री साहब से कहा, धामी से नहीं कहा, जज साहब, वो हाई कोर्ट के जज साहब धामी को लेकर हमें, उन्हें जब 14 तारीख को हमने तारीख दे रखी थी, 8 तारीख को क्यों तोड़ा, 8 तारीख को क्यों दिया? तो इस बात को कोई कह रहा, सब मंत्री चल रही रात की रान कर दे रहे हैं, उन्हें वो चीज़ तोड़नी वो, और मतलब जब इनका सब कुछ चलेगा तो पब्लिक क्या रोड में आ गई। फिर वो कोई फिल्म में ये कह रखा था, नेताओं की चौकट चुमो, तो आज वो चौकट चुमने लाए गए हम, कोर्ट क्यों नहीं कर रही फैसला, कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रही है सरकार और फिर अपनी की चला रही है। जैसे 24 तारीख को फैसला है तो सरकार को ये बात माननी चाहिए, पहले पुनर्वास कराना चाहिए, उसके बाद जगह खाली करानी चाहिए। जज साहब ने ये बात सही कही, जज साहब ने कही पहले अपना नोटिस डालो किसी के लिए, मतलब स्टे में तुमने मतलब इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, 50 परिवार है यहाँ पर, 50 परिवार है, 50 परिवार को तोड़ दोगे, 50 हज़ार मकान है यहाँ पर, 50 हज़ार मकान। अब इतने लोगों के लिए पहले जगह ढूंढी जाएगी, उसके बाद इसमें टाइम लगेगा, फिर उनको जगह दी जाएगी, तब ये जगह खाली करानी चाहिए। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सही बात कही, हाई कोर्ट के जज ने दबाव मान के फैसला, और ये दबाव नहीं था तो क्या था, 8 तारीख 14 तारीख को तुमने खुद तारीख दी, 8 तारीख को कांड हो गया, तो तुमने धामी को, धामी सरकार को क्यों नहीं पकड़ा, तुमने दूसरे आदमी को क्यों पकड़ा? सरकार के आदेश, आपके कहने का मतलब सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया गया? 8 तारीख को वो कांड क्यों करवाया, तुम उसका कोर्ट का पालन क्यों नहीं करा, कोर्ट का भी उसका पालन कर दे, कोर्ट ने जब कह दिया 14 तारीख, जब कोर्ट ने तारीख दी थी उस तारीख के हिसाब सरकार को काम करना है। जज साहब का, हाई कोर्ट के जज साहब के वहाँ कहना और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उन्होंने कहा धामी सरकार से जवाब पूछो, जब 14 तारीख दी तो 8 तारीख चले गए, तो गरीब आदमी का गला काटने के लिए चले गए। ये बात तो गलत है, अगर सरकार के आदेशों का, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये आजकल वो है ना, उन्होंने ऐलान कर दिया ना, किसी का घर तोड़ दो, किसी की दुकान तोड़ दो, योगी जी ने कितना नुकसान कराया, वो भी मैं कोर्ट ने कुछ उठाया, इसमें कोई एक्शन नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं उठा रही कोर्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की कि उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या राय है, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि उस फैसले से बहुत खुश हैं और इसके समर्थन पे हैं। ऑन कैमरा आपने लोगों की बात सुनी, वहीं हमने ऑफ कैमरा भी लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना है अगर पहले यहां से पुनर्वास किया जाता है उसके बाद जमीन खाली कराई जाती है तो इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।